कैनेसिस ब्रेस्ट टीम के साथ मिलकर मैं मोना मेश्राम ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाना चाहती हूँ। क्रिकेट टीम में हर एक खिलाड़ी को एक प्रकार की ट्रेनिंग नहीं मिलती। बॉलर्स, बैट्समैन और विकेट कीपर को अलग अलग तैयारियां करनी होती है। ठीक उसी तरह हर ब्रेस्ट कैंसर मरीज को एक ही जैसा इलाज नहीं मिलता। सुनिए ब्रेस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट से कि कैसे हर मरीज को वह उपचार मिलता है जो उनके कैंसर को हराने में सबसे ज्यादा अधिक फायदेमंद होता है। मोना मेश्राम, इम्पोर्टेंट हेल्थ इश्यू ब्रेस्ट कैंसर जो है कि उसको उठाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मोना मेश्राम ने आपको बताया कि हर क्रिकेट टीम में हर खिलाड़ी की अपना अपना अलग अलग ट्रेनिंग होती है, वैसे ही ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो कि पर्सनलाइज ट्रीटमेंट करने की जरूरत होती है। इसमें सभी ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स का एक सा ट्रीटमेंट नहीं होता है, इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट हम करते हैं, जिसमें कि जैसे किसी को ब्रेस्ट पूरा निकालना पड़ता है, किसी में ब्रेस्ट हम बचा सकते हैं, सबको ब्रेस्ट खोना नहीं पड़ता। कुछ एक पेशेंट्स में कीमोथेरेपी की जरूरत नहीं होती है, जो कि हम कुछ एक टेस्ट से पता करते हैं कि किसको कीमोथेरेपी की जरूरत नहीं है। आज हम ब्रेस्ट कैंसर का जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसमें काफी एडवांसमेंट हो गया है। जो हम 20 से 25 साल पहले ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट कर रहे थे और उसमें काफी चेंजेस आ गए हैं। इंडिविजुअल पेशेंट का अकॉर्डिंग टू द स्टेज एंड डिफरेंट प्रोग्नोस्टिक टेस्ट के हिसाब से हम उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ट्रीटमेंट में हम सर्जरी कर रहे हैं, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी दे रहे हैं, और जो उसके बाद में जो आगे का ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी से इंडिविजुअल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्नोस्टिक टेस्ट के हिसाब से हम डिसाइड कर रहे हैं कि इस पेशेंट को कीमोथेरेपी की जरूरत है या नहीं है। आजकल जो इंडियन मार्केट में जो टेस्ट आया है, कैनेसिस ब्रेस्ट टेस्ट है, उसमें हमें ये पता चल जाता है कि प्रोग्नोस्टिक स्कोर कितना रहेगा, उसमें रिकरेंस के कितने चांसेस रहेंगे, उसके हिसाब से हम उसको कीमोथेरेपी देना या नहीं देना ये डिसाइड कर रहे हैं। थैंक्स टू द कैनेसिस ब्रेस्ट टीम फॉर रीचिंग अवेयरनेस अबाउट द ब्रेस्ट कैंसर। और लास्ट में मैं कैनेसिस टीम को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने की इस इम्पोर्टेंट कैंपेन को इंडिया में उठाया है।